मैं अच्युत, आज 23 मार्च है जो हमारे क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि, जिन्होंने साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में एक वैचारिक क्रांति को जन्म देते हुए उसकी शुरुआत करते हुए और अपने जीवन की आहुति दी ताकि जो जनता में उनके साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक मजबूत प्रतिरोध पैदा हो सके। उसके साथ साथ आज हमारे एक जनकवि पाश जो इसी साम्राज्यवादी विरोधी संघर्षों में संघर्षरत रहे, उनकी भी पुण्यतिथि है। तो अभी मैं पहले तो एक संदेश के लिए जो भगत सिंह की फांसी से पूर्व दी गई जो उनकी चिट्ठी थी अंतिम, वो चिट्ठी पढ़ना चाहूँगा जिसमें उन्होंने क्रांति का आह्वान किया आने वाली जनरेशन और अपने साथियों के लिए। हाँ, अब मैं शुरू करता हूँ। उन्होंने भगत सिंह लिखते हैं, साथियों स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं, अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मद्धम पड़ जाएगा, पर यह संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों का बूता का बास नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी करता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से परीक्षा की अंतिम घड़ी का इंतज़ार है। मेरी ये कामना है कि ये और नज़दीक आ जाए। आपका साथी भगत सिंह, 22 मार्च 1931। तो वो क्रांतिकारी जीवट जिनका संदेश था कि क्रांति कभी हथियारों से नहीं होती, क्रांति विचारों से पैदा होती है। लेकिन अफसोस कि आज फिर हम जिस साम्राज्यवादी पूंजीवाद के शिकार हैं हमारा देश, वो उस सिर्फ इसका नतीजा है कि हम भगत सिंह को भगत सिंह की तरह उनके विचारों को हम अपने अंदर अपने समाज में ज़िंदा नहीं रख पाए। और ये बहुत अफसोस की बात है। इन साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ना है, इन विषमतर परिस्थितियों से अगर निकलना है तो भगत सिंह को याद रखना ही होगा, उनके विचारों को प्रसारित करना होगा जिससे कि जागरूकता बढ़े समाज में और एक नई क्रांति पैदा हो। धन्यवाद। जिक्र किया था एक कवि अवतार पाश का। मैं एक अवतार पाश जो उसी भगत सिंह वाली परंपरा के कवि थे और इस सत्ता के षड्यंत्र का शिकार हुए, उनकी एक कविता पढ़ना चाहूँगा। पर हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम से, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं से, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नज़रों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े घट्टों की कसम खाकर, हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता, हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए,
लड़ते हुए जो मर गए उनकी याद जिंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम से, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं से। इंकलाब जिंदाबाद। मैं मुजीब आज़ाद आप लोगों से मुखातिब हूँ आज के दिन, जिस दिन शहीद आज़म भगत सिंह जी ने अपनी शहादत दी और इस देश की आज़ादी के रास्ते को तय किया। आज जिस आज़ादी के माहौल में हम जी रहे हैं और जो हम सांस ले रहे हैं, ये शहीद भगत सिंह की शहादत की से ही तय हो पाया। पंजाब छात्र संघ लाहौर में एक अधिवेशन आयोजित किया गया था 19 अक्टूबर 1929 को। इस अधिवेशन की अध्यक्षता या सभापति सुभाष चंद्र बोस थे और इस मौके पर भगत सिंह जी ने जो पत्र विद्यार्थियों के नाम लिखा था अपनी शहादत से पहले, वो पत्र मैं आप लोगों के बीच में सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह जी के युवाओं के लिए क्या संदेश था, उसको आप और हम समझने की कोशिश करें। इस समय हम नौजवानों से ये नहीं कह सकते कि वो बम और पिस्तौल उठाएं। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। आने वाले लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए ज़बरदस्त लड़ाई की घोषणा करने जा रही है। राष्ट्रीय इतिहास के इन कठिन क्षणों में, इन कठिन मौक़ों में नौजवानों के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ेगी। ये सच है कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में अग्रिम मोर्चों पर विद्यार्थियों ने मौत से टक्कर ली है। क्या परीक्षा की इस घड़ी में वह उसी प्रकार की दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय देने से हिचकिचाएंगे? नौजवानों को क्रांति का ये संदेश देने देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गांवों की जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलख जगानी है, जिससे आज़ादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। पंजाब वैसे ही राजनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ माना जाता है, इसकी भी जिम्मेदारी युवा वर्ग पर निर्भर है। आज वे देश के प्रति अपनी असीम श्रद्धा और शहीद यतीन्द्र दास के महान बलिदान से प्रेरणा लेकर ये सिद्ध कर दें कि स्वतंत्रता के इस संघर्ष में वे दृढ़ता से टक्कर ले सकते हैं। 22 अक्टूबर 1929 को ट्रिब्यूनल, जो दैनिक अखबार था, उससे लाहौर से ये प्रकाशित हुआ। साथियों, विद्यार्थियों के लिए जो शहीद आज़म भगत सिंह का संदेश है, उसको हम अपने जीवन में अपनाएं, उसको समझें और आज़ादी के मायनों को जन जन तक पहुंचाएं, गांव और ढाड़ी तक पहुंचाएं। यही मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है, यही मेरी आपसे अपील है। जय हिंद, जय भारत।